नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा चैनल सीमा क्रिएटिव टीम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हो। काढ़ा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने लिया है दालचीनी। ये हमारे मसालों में उपलब्ध होती है। और ये हमने लिया है मुलेठी, और हमने ये लिया है सौंठ, ये अश्वगंधा। ये मिल जाता है कहीं पे भी, परचून की दुकान पे भी मिल सकता है। ये है गुलाय, गुलाय की सूखी लकड़ियाँ। ये है छोटी पीपर, और ये काली मिर्च है हमारी। और काली मिर्च में हमने दो जायफल डाल दिया है। ये लौंग है, ये है हमारे हरे इलायची। और ये हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। अब इनको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। मैंने इन सारी चीज़ों को पीस कर इनका चूर्ण बना कर तैयार कर लिया है, और एक डिब्बे में भर कर रख लिया है। अब मैं आपको काढ़ा बनाना बताती हूँ, और ये हम कभी भी बना सकते हैं। तो हम पहले चलो आपको बनाना बताते हैं काढ़ा कैसे बनाते हैं। अब हमने भगोना रख दिया है, गैस को भी ऑन कर दिया है। तो हम काढ़ा बनाने के लिए इसमें 1.5 गिलास पानी डालते हैं, और इसको हमें इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। तो अब हम अपना ये 1 चम्मच चूर इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच से कम हल्दी भी डालना है हमें, और इसको भी मिक्स कर देंगे। और इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डालूंगी, तो इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ। और इसको हमें चाय की तरह पकाना है। ये हमारा काढ़ा आधा रह जाए हमें इतना पकाना है, और मीडियम आंच पे पकाएंगे। और हम आपको काढ़ा बनाना इसलिए बता रहे हैं कि इस समय कोरोना बहुत बढ़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, और खांसी जुकाम और गले में खराश, ये सारी चीज़ें सही होती हैं। इस काढ़े का आप सेवन करेंगे तो आपसे कोरोना कोसों दूर रहेगा। तो आप इसका सेवन ज़रूर करना, बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें इस पे इसे लमसम 10 मिनट तक पकाना है, और स्लो मीडियम आंच पे पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस काढ़े का ज़रूर सेवन करना, इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसमें इतनी सारी चीज़ें जो डली हुई हैं, तो उसका अस्क भी जाता है, तो उससे बहुत ही फायदा होता है। हमारे घर में इस तरह काढ़े का प्रयोग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इससे खांसी जुकाम गले में खराश ये सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो मैंने सोचा ये आपको भी बता देती हूँ। हमें इस काढ़ा को इस तरह से पकाना है, आप देख पा रहे हो वो ऊपर तक है, और बीच बीच में हम इसे चम्मच से इस तरह से हिला देंगे, आप देख पा रहे होगे, तरह से हिलाते जाएंगे। और बीच बीच में इसी तरह से हमें करना है, चेक करते रहना है। देखिए ये हमारा काढ़ा पक चुका है, आप देख पा रहे हो कि कितना था और कितना थोड़ा सा रह गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। हम इसको छान लेते हैं, तो हम इस तरह से छान लेंगे। हमने इसको छान लिया है, ये हमारा पकाते पकाते इतना रह गया है, आप लोग देख लीजिए। और अब हमें इसको पी लेना है छानने के बाद। इसको ठंडा करके नहीं पीना है, गुनगुना गुनगुना पीना है, एकदम ठंडा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। इस कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना और बचाव ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।